सर्दियों में गाजर काफ़ी आसानी से मिल जाती है क्योंकि इस सीज़न में इसकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा होती है। गाजर कई तरह के पोषक तत्वों जैसे आयरन, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी इत्यादि से भरपूर होती है। ऐसे में ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी प्रभावी भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में रोज़ाना गाजर खाना हमारी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है? कैसे, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। देखिए, सर्दियों में लोग गाजर खूब खाते हैं। कई लोग गाजर के पराठों के साथ साथ गाजर का हलवा भी खाते हैं, कई लोग गाजर का अचार भी खाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हद से ज़्यादा गाजर खाना या रोज़ाना गाजर खाना आपकी सेहत के लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। देखिए, जिन लोगों को बीपी और ब्लड शुगर की दिक्कत है उन्हें रोज़ाना गाजर नहीं खानी चाहिए। इसे खाने से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ सकता है। ऐसे लोगों को गाजर खाने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जिन लोगों को नींद की समस्या होती है उन्हें भी गाजर से दूरी बनानी चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो गाजर का पीला हिस्सा गर्म होता है। इसे ज़्यादा खाने से पेट में गर्मी, गले में जलन की दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा गाजर खाने से दांत में दर्द भी पैदा हो सकता है। गाजर का पीला हिस्सा आपके दांतों को काफ़ी हद तक कमज़ोर भी कर देता है। इसलिए जिन लोगों को दांत से जुड़ी समस्या है उन्हें ज़्यादा गाजर नहीं खानी चाहिए या रोज़ाना गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। गाजर फाइबर से भरपूर होती है, इसलिए अगर आप रोज़ाना गाजर खाते हैं तो शरीर पर फाइबर का लेवल बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको पेट में दर्द और पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। गाजर में फाइबर के साथ कैरोटीन भी काफ़ी मात्रा में होता है। इसे ज़्यादा खाने से त्वचा के कलर में भी बदलाव हो सकता है। शरीर में कैरोटीन की मात्रा बढ़ने से त्वचा का पीलापन भी बढ़ सकता है। सबसे ज़रूरी बात, जो महिलाएं ब्रेस्टफीडिंग करती हैं उन्हें भी रोज़ाना गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उनके दूध का स्वाद जो है वो बदल जाता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप जुड़ रही है बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।